आज दस साल से ज्यादा अरसा हो गया जो हमसे वादे किए हुए हैं हमने अपनी साइड से गैस पाइपलाइन और वो सारी बिछा ली है पाकिस्तान कुछ करते नहीं इंडिया इसमें कोई शक नहीं है कि एक ग्रोइंग है और उसने बड़ा पिछले चंद सालों में अपनी इकॉनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया है और मतलब सिर्फ वेपन्स के हवाले से नहीं आईटी की अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर की हम बात करें तो दुनिया में उसका एक लेवल है वो तो हम पे बोझ डाला वो तो वो उनका बोझ उठाए हम क्यों उठाएं उनका

अमेरिका को अपने जो वेपन है वो एक्सपोर्ट करने जा रहा है पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या वजह है आईटी हो टेक्नोलॉजी हो या आप डिफेंस इंडस्ट्री की बात करें इंडिया जितनी तेज से ग्रो करता नजर आ रहा है कि हमारे जो यहाँ से पंजाबी लोग जाते हैं उनको निकाल निकाल कर आई कार्ड देकर गोलियां मार दी जाती है कैसे देखते हैं आपके बलोचिस्तान को उनके हकूक नहीं मिल रहे मेहरन बलोच जो कह रही है कि हमारे घरों से लोगों को अगवा किया जाता है तो ईरानी ये कहते हैं कि पाकिस्तान हमारे इस प्रोजेक्ट को सीरियसली ले रहा आज दस साल से ज़्यादा अरसा हो गया जो हमसे वादे किए हुए हैं हमने अपनी साइड से गैस पाइपलाइन और वो सारी बिछा ली है पाकिस्तान कुछ करते नहीं ये एक बड़ी शॉकिंग डेवलपमेंट है कि ईरान ने पाकिस्तान को आखिरी नोटिस दे दिया इसके बाद ईरान कहता है कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं रहती कि हम पाकिस्तान को पेरिस आर्बिट्रेशन कोर्ट के अंदर लेके चले जाएंगे और अगर पाकिस्तान ने ये कंस्ट्रक्शन शुरू ना की अंडर द आई पी गैस प्रोजेक्ट ठीक है जी और महल छः महीने की उन्होंने डेडलाइन दी है तो ये फिर हम सीधा फ्रेंच आर्बिट्रेशन कोर्ट में जाएंगे जो यूएस एस को रिकेगनाइज नहीं करता तो ये एक चीज़ है अब एक है इंटरस्टेट गैस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान और नेशनल एरानियन गैस कंपनी जो कि ये एक इन्होंने रिवाइज कॉन्ट्रैक्ट भी 2019 में साइन किया था अब इसमें यह है कि ईरान जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट को अप्रोच नहीं करेगा अगर डिले होगा कंस्ट्रक्शन में पाइपलाइन की कंस्ट्रक्शन में ठीक है जी लेकिन पाकिस्तान ने ये कहा था कि 2024 तक पाकिस्तान इसके ऊपर काम करेगा और तकरीबन ये सात मिलियन क्यूबिक फीट गैस है जो हम ईरान से डेली लेंगे अब क्वेश्चन यह है कि पाकिस्तान इंडिया तो नहीं है ना कि सेंक्शन भी हैं रशिया के ऊपर और तेल भी लेता रहे ठीक है और ईरान क्या इंडिया क्या कहता है अगले दिन आपने सुना यूक्रेन में इंडिया ने के लफ्ज से और मैंने इसके ऊपर आपको पता है कुछ सवाल भी किए थे लोगों से और मैंने पॉइंट को डेफिनेटली खुद भी इसको मैंने रेज किया था वो क्या थे यार इंडिया कहता है जी ये जो बायोलेट्रल सेंस है ना ये जो है एक मुल्क दूसरे मुल्क पे सेंशन लगा देता है हम इसको रिकनाइज नहीं करते हम सिर्फ यू सिक्योरिटी काउंसिल या UN के जो आ, जो सेंक्शन है उसको रिकेगनाइज करते हैं समझ गया आप वो क्या करते हैं और हम क्या करते हैं <laughs> उन्होंने कहा है हम इसको रिकगनाइज ही नहीं करते ठीक है।, है जी अब पाकिस्तान जो है वो उसने मैंने बताया कि अंडर द रिवाइज कॉन्ट्रैक्ट ये करना था अब पाकिस्तान जिसे वो कहते हैं ना कि वो अपनी जो साइड की जो पोर्शन है पाइपलाइन की वो नहीं कर पा रहा अब ईरान के अंदर शान साहब की नई हुकूमत आ गई है ठीक है जी आ, और वो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान का क्या करना है ठीक है पाकिस्तान का क्या करना है पाकिस्तान मैंने आपको बताया पाकिस्तान इंडिया नहीं है पाकिस्तान कैन नॉट स्टैंड अप अगेंस्ट सैंक्शंस हमारी बड़ी लंबी चौड़ी मजबूरी है आ, हम आज हम अगर ईरान से गैस लें सुबह हम डिफॉल्ट कर जाएंगे देखें इंडिया तो अमेरिका को आंखें दिखा सकता है कि पाएजान हमें कोई परवाह नहीं हम गैस लें हम तेल लेंगे हमारे गरीब लोग हैं हमारे मुल्क में जो पर कैपिटा इनकम है वो 2,250 डॉलर है हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते एक बड़ी तादाद में देखे जब नरेंद्र मोदी साहब कंपेन कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि 800 मिलियन लोगों को हुकूमत आटा दे रही, दे रही है वीट दे रही है वीट सपोर्ट में आठ मिलियन ये मैंने नहीं कहा हुआ आठ मिलियन यानी कि तीन पाकिस्तान जो हैं एज पर द गवर्नमेंट जो है स्टेटिस्टिक्स वीट सपोर्ट पे हैं तो क्वेश्चन ये है कि वो कहते हैं जी हम तो इन लोगों के लिए अब क्या सर... महंगा तेल भी खरीदें हम तो नहीं खरीदेंगे हम तो सस्ती गैस खरीदेंगे सस्ता तेल खरीदेंगे जो मर्जी कर लो करना कर लो अमेरिकन पीछे हट गए अमेरिकन को सुनना पड़ा अमेरिकन को सुननी पड़ी ये बात उनकी कि हाँ जी ठीक है फिर आप ये करें कि आप महंगा सस्ता मजीद तेल ना खरीदें आप उसको महंगा तेल ना खरीदें सिक्सटी बैरल पर डॉलर जो है आ, पर डॉलर जो है वो आ, उन्होंने वो कर दिया ठीक है जी के सिक्सटी डॉलर अ बैरल ठीक है जी अब ये जो एक चीज़ उन्होंने कर दी जिसको उन्होंने आ, मार्केट के सामने वो ले ठीक है, है और आ, मुझे याद है अगले दिन डॉक्टर जयशंकर ये क्या कहा उसने कहा कि भाई आप हमें क्यों कहते हैं कि हमने तेल लिया क्या यूरोप ने तेल नहीं लिया क्या जिस दिन ईरान के रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया है जिस दिन रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया है आपको क्या लगता है कि क्या उस दिन तेल लेना बंद नहीं करना चाहिए था यूरोप को लेकिन यूरोप तेल लेता रहा क्यों लेता रहा तेल क्या पहले दिन आपका प्रिंसिपल नहीं था आपका प्रिंसिपल छह महीने बाद क्यों ठीक हुआ आपने पहले दिन तेल लेते रहे लेते रहे छह महीने बाद आपने ये फैसला कर लिया कि हम तेल नहीं लेंगे इट मीनस कि आप कॉम्प्रोमाइज किया अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर सो so हमें ना बताएं ये वो कहते हैं अमेरिकन को और उसको यूरोपियंस को ये डॉक्टर जयशंकर के लफ्ज हैं ये मेरे लफ्ज थोड़े हैं वो जो पूरी साहब है वो हरदीप पूर सिंह पुरी साहब आई थिंक वो जो है वो भी सख्त पढ़ते हैं वो कहते हैं उससे मेरा हेलक क्रिस्टीना अमनपुर ने उनसे सवाल किया था यही वाला ठीक है उसने कर, ये क्या बात करते हैं आप हमारे लोग हैं ठीक है अब पाकिस्तान के लीडर क्या अमेरिका को ये कह सकता है कि हमारे लोग हैं गुरबत है गरीब है, है। सवाल ही पैदा नहीं हो सकता यार हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा वेस्ट के ऊपर आज अगर वो सेंक्शन इन कर ले क्या देखें मार्को रूबियो ने, ने अगले दिन